दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी कि बिजली के बिल में LMB क्या होता है। आपने देखा होगा आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में LMB 1, LMB 2 इस प्रकार से लिखा रहता है। तो आखिर ये क्या होता है? इस वीडियो में जितने भी प्रकार के LMB होते हैं सारे LMB के बारे में हम जानने वाले हैं और साथ साथ हम जानेंगे HB क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले LMB की बात कर लेते हैं। तो LMB दोस्तों एक कैटेगरी होती है। जब आप अपना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बिजली का कनेक्शन लेते हैं तो उस दौरान आपको डिसाइड करना होता है कि आप किस कैटेगरी का कनेक्शन ले रहे हैं, उस हिसाब से आपका LMB निर्धारित किया जाता है। LMB जो होता है वो दोस्तों 11 प्रकार का होता है। अगर LMB की हम फुल फॉर्म की बात करें तो LMB लो मीडियम वोल्टेज, जहाँ लो और मीडियम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जैसे कि 220 वोल्टेज की कहीं पे आपूर्ति करना है तो वहाँ पे LMB का यूज़ किया जाता है। वहीं जहाँ 11,000 की लाइन से ट्रांसफार्मर से आपको डायरेक्ट सप्लाई लेना होता है तो वहाँ HB चलता है। HB को दोस्तों हाई वोल्टेज कहते हैं। HB दोस्तों 4 प्रकार का होता है। तो इस वीडियो में हम LMB के जितनी भी कैटेगरी हैं सभी को डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद HB के भी बारे में विस्तार से सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं साबरी इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। से पहले बात कर लेते हैं LMB 1 यानी कि LMB 1। LMB 1 को हम डोमेस्टिक लाइट फैन पावर के लिए यूज करते हैं। डोमेस्टिक लाइट यानी कि घरेलू बत्ती, तो इसका यूज घरेलू बत्ती के लिए किया जाता है जहाँ फैन और लाइट वगैरह यूज करना होता है। उसके बाद आता है LMB 2 जो होता है वो कमर्शियल कनेक्शन में आता है, जिसको हम नॉन डोमेस्टिक लाइट फैन एंड पावर के नाम से जानते हैं। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसको वाणिज्यिक कहते हैं। दोस्तों इसका यूज जो होता है, कोई आप अपना व्यापार कर रहे हैं कमर्शियल तरीके से तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। जितनी भी सारी दुकानों के कनेक्शन होते हैं वो सब कमर्शियल में आते हैं और जो भी रोजगार या कारोबार से संबंधित जितने भी कनेक्शन आते हैं वो दोस्तों वाणिज्यिक कनेक्शन, नॉन डोमेस्टिक कॉमर्शियल कनेक्शन कहलाता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं LMB 3 की। तो LMB 3 जो होता है वो दोस्तों पब्लिक लैंप्स के लिए होता है। जितनी भी सार्वजनिक लैंप्स होती हैं जैसे कि स्ट्रीट लाइट, जो सब लोगों के लिए अलाउड होता है, उस पर जो हमारा मीटर सेट होता है वो उसको हम LMB 3 की कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा LMB 4 आता है। LMB 4 का मतलब दोस्तों होता है लाइट फैन पावर फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट। जितनी भी संस्थाएँ होती हैं, निजी संस्थाएँ हों या फिर सार्वजनिक संस्थाएँ हों, वहाँ पर LMB 4 का यूज होता है या LMB 4 का कनेक्शन होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा LMB 5 आता है। LMB 5 की अगर हम बात करें तो उसका यूज स्मॉल पावर फॉर प्राइवेट ट्यूब वेल पंपिंग सेट्स, निजी नलकूप में किया जाता है। दोस्तों यहाँ LMB 5 आपका क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों LMB 6 आता है। LMB 6 का यूज स्मॉल एंड मीडियम पावर सप्लाई के लिए किया जाता है, यानी कि लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए इसका यूज किया जाता है। दोस्तों उसके बाद हमारा LMB 7 आता है, यानी कि LMB 7। इसका यूज पब्लिक वाटर वर्क्स के लिए किया जाता है, यानी कि जलकल के लिए किया जाता है। जहाँ पे नलकूप होते हैं जो पब्लिक के लिए अलाउड होते हैं, वहाँ अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होता है तो वहाँ दोस्तों LMB 7 का यूज किया जाता है। उसके बाद हमारा LMB 8 आता है, जिसका यूज पंचायती राज ट्यूबवेल के लिए किया जाता है, यानी कि राजकीय नलकूप, पंचायती राज नलकूप तथा पंप कैनाल के जो कनेक्शन होते हैं वहाँ LMB 8 का यूज किया जाता है। उसके बाद LMB 9 आता है। इसका यूज दोस्तों टेम्परेरी सप्लाई के लिए किया जाता है, जैसे कि मेले ठेले में जो दुकानें लगती हैं एक दो दिन के लिए, वहाँ अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होता है तो वहाँ LMB 9 का यूज किया जाता है, यानी कि अस्थायी संयोजन। 9 का यूज अस्थायी संयोजन के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी में अभी हमने जितना भी अध्ययन किया है वहाँ पर LMB 10 हमें देखने के लिए नहीं मिला। LMB 9 के बाद LMB 11 यानी कि LMB 11 आता है। तो LMB 11 की बात कर लेते हैं। LMB 11 का यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के लिए किया जाता है, यानी कि जो ई रिक्शा वगैरह हैं उनको चार्ज करने के लिए जो कनेक्शन लिया जाता है तो वहाँ LMB 11 कैटेगरी का कनेक्शन लिया जाता है। तो यहाँ तक दोस्तों 11 तरीके की जो LMB होते हैं वो कम्प्लीट हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों जो चालू होता है वो HB होता है। HB हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज की दोस्तों 4 कैटेगरी होती है इलेक्ट्रिसिटी मीटर में। सबसे पहली अगर कैटेगरी की बात करें तो HB 1 होता है। तो HB 1 में क्या होता है दोस्तों, नॉन इंडस्ट्रियल वर्क लोड, इसको हम HB 1 कहते हैं, यानी कि उद्योग रहित वर्क लोड। दोस्तों इसका यूज होता है
वो बिना इंडस्ट्रियल के कनेक्शन में किया जाता है। जैसे कि अगर आपको 20 से ऊपर 25 या 50 किलोवाट का कनेक्शन घर के लिए चाहिए होता है तो वहाँ पे आपको HB1 की कैटेगरी का मीटर लेना पड़ता है, जिसको हम उद्योग रहित मीटर कह सकते हैं, यानी कि H1 कैटेगरी। उसके बाद दोस्तों आती है HB2 यानी कि हाई वोल्टेज 2 जो कैटेगरी है, उसका मतलब है लार्ज एंड हैवी पावर। अगर बहुत ही लार्ज मात्रा में यानी कि ज़्यादा मात्रा में और हैवी पावर चाहिए तो यहाँ पर HB2 की कैटेगरी लगती है, बड़े एवं भारी उद्योग के लिए। उसके बाद दोस्तों हमारा HB3 आता है, इसका मतलब दोस्तों होता है रेलवे टेक्कन एंड मेट्रो रेल, यानी कि रेल वगैरह में या मेट्रो स्टेशन में जो इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन होते हैं वो हाई वोल्टेज HB3 में आते हैं, वहाँ पर ट्री कैटेगरी HB3 में डाली जाती है। उसके बाद दोस्तों HB4 आता है, लिफ्ट एरीगेशन वर्क्स। HB4 का यूज लिफ्ट एरीगेशन। तो इस प्रकार से दोस्तों जो हमारी LMB की कैटेगरियाँ होती हैं और कैटेगरी होती हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई क्वेरीज हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।